मुंबई के अंधेरी में एक 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबे 5 लोगों को निकाला गया, सभी लोग मामूली रूप से जख्मी। महाराष्ट्र में बाढ़ से हालात बेहद खराब, अब तक 200 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी। आज बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने हाई टाइड की चेतावनी जारी की। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ के बीच हुई एक अनोखी शादी का वीडियो वायरल, दुल्हन को नाव में लेकर पहुंचा दूल्हा। कर्नाटक के बेलगाम में बारिश का कहर जारी है, बाढ़ में फंसे एक व्यक्ति को कुछ लोगों ने बचाया, शख्स के चारों तरफ भरा था पानी। बिहार के भागलपुर में भारी बारिश से कोसी नदी उफान पर, पानी के कटाव को झेल नहीं पाने के कारण कई घर पानी में गिरे, ग्रामीणों की बढ़ रही है मुश्किलें। यूपी में बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा, 18 यात्रियों की मौत, 24 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। बाराबंकी हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, घायलों को समुचित इलाज और मृतकों को परिजनों को आर्थिक सहायता देने के निर्देश। हादसे का शिकार हुए सभी यात्री मजदूर थे जो पंजाब से बिहार जा रहे थे, बस रास्ते में अचानक खराब हो गई थी, तभी तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बसवराज बोम्मई आज कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ, सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। सीएम पद की शपथ लेने से पहले बसवराज बोम्मई ने पूजा अर्चना भी की, शपथ लेने के बाद आज कैबिनेट बैठक करेंगे बसवराज बोम्मई। कर्नाटक में 3 नए सीएम के साथ 3 डिप्टी सीएम भी लेंगे शपथ, जातिगत समीकरण को साधते हुए गोविंद कारजोल, आर अशोक और श्री रामलू को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। मंगलवार को कर्नाटक बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद नए सीएम को लेकर हुआ फैसला, धर्मेंद्र प्रधान ने किया बसवराज बोम्मई के नाम का ऐलान। कर्नाटक के नए सीएम बसवराज बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से आते हैं, येदुरप्पा की जगह संभालेंगे सीएम पद की कमान। साथ विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, संसद में कृषि कानूनों पर बहस के निर्देश देने की मांग। संसद शुरू होने से पहले सुबह 10 बजे आज विपक्षी दलों की बैठक, संसद भवन में होगी मीटिंग, किसान आंदोलन पेगासस मुद्दे पर होगी चर्चा। आज दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक, कई अहम बिलों को लेकर हो सकती है चर्चा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात, शाम 4:30 बजे दोनों नेताओं के बीच होगी बैठक। ममता बनर्जी आज एनसीपी चीफ शरद पवार से भी करेंगी मुलाकात, 2024 चुनाव, पेगासस समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। ममता बनर्जी ने आज टीएमसी संसदीय बोर्ड की बैठक बुलाई, बैठक दोपहर 1 बजे टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर रॉय के आवास पर होगी। असम मिजोरम बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प में असम पुलिस का एक और जवान शहीद, अब तक पुलिस के 6 जवान शहीद। असम में बराक घाटी के 3 जिले 12 घंटे के लिए बंद, असम में 3 दिन का राजकीय शोक, सीमा विवाद पर शहीद हुए थे असम पुलिस के 6 जवान। राकेश अस्थाना होंगे दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर, रिटायरमेंट से 4 दिन पहले मिला 1 साल का एक्सटेंशन। 1984 बैच के आईपीएस ऑफिसर राकेश अस्थाना बीएसएफ के डीजी, एनसीबी चीफ और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर भी रह चुके हैं। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी में मंथन का दौर शुरू, नड्डा की अध्यक्षता पर आज और कल दिल्ली में यूपी के सभी सांसदों की अहम बैठक। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और राधामोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद, यूपी चुनाव के मद्देनजर ये बैठक काफी अहम। 2 दिन चलने वाली बैठक में आज ब्रिज पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ मीटिंग, कल अवध काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक। प्रयागराज में गंगा आरती के समय बैठे रहे बीएसपी महासचिव तीर्थ पुरोहित बोले, सतीश मिश्रा ने समाज का ही नहीं बल्कि मां गंगा का भी किया अपमान। सतीश मिश्रा पर भड़के संत समाज, कहा सतीश चंद्र मिश्रा ब्राह्मणों को सम्मान दिलाने नहीं बल्कि खुद का सम्मान करवाने आए थे। सतीश मिश्रा पर बीजेपी भी हमलावर, कहा जो हमारी पूजनीय मां गंगा का सम्मान नहीं कर सकता वो ब्राह्मण समाज का सम्मान क्या करेगा। ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी पर भड़काओ बयान, वाराणसी में रैली के दौरान बोले राजभर, बीजेपी कार्यकर्ता जहां मिले करो अच्छे से पिटाई। ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा ब्राह्मण समाज बीजेपी से खफा है, बीजेपी ब्राह्मण की हत्या करवा रही है। जी मीडिया संवाददाता के सवाल से घबराए राजभर, अपराधी की जाति का बखान करने वाले सवाल पर दिया गोलमोल जवाब। उत्तर प्रदेश में सम्मेलनों की सियासत में ओवैसी भी कूदे, अगले महीने से मंडल स्तर पर करेंगे बुद्धिजीवियों के साथ कार्यक्रम। मंडल स्तर पर होने वाले सम्मेलनों में खुद पार्टी मुख्य ओवैसी भी होंगे शामिल, यूपी चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति, कई अहम मुद्दों पर भी होगी चर्चा। यूपी एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने दिए एसपी और बीएसपी के साथ गठबंधन के संकेत, कहा उनकी पार्टी के दरवाजे गठबंधन के लिए खुले हैं।
अखिलेश यादव ने सरकार पर सादा निशाना लिखा, आम जनता की जासूसी कराने के कारण बीजेपी ने अब अपने नाम में जनता शब्द लगाने का नैतिक अधिकार खोया। पोर्नोग्राफी केस में राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी, मुंबई पुलिस ने ईडी को सौंपे सभी दस्तावेज, प्रवर्तन निदेशालय जल्द कर सकता है एफआईआर। जयपुर में हिंदुस्तान की बात, कॉन्क्लेव 2021 देश के विकास में पिंक सिटी के योगदान पर मंथन, कारोबार जगत के दिग्गज हस्तियां कर रही शिरकत। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोवाल से मुलाकात करेंगे अमेरिकी विदेश मंत्री, अफगानिस्तान से जारी संघर्ष और पाकिस्तान पर हो सकती है चर्चा। पाकिस्तान में नहीं थम रहा हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार, हिंदू लड़के को भगवान के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने के लिए बनाया गया दबाव। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर गहमा गहमी हुई तेज, कांग्रेस में विधायकों से रायशुमारी के लिए आज फिर जयपुर आएंगे प्रदेश प्रभारी अजय माकन। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के राजस्थान प्रभारी एक बार फिर से दो दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं, पंजाब की तरह राजस्थान में भी सुलह की होगी कवायद। मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन के बीच सचिन पायलट आज दिल्ली में आला कमान से कर सकते हैं मुलाकात, केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी से की मुलाकात। राजस्थान सीएम गहलोत की आवाज पर मंत्रियों और विधायकों का लगा तांता, पायलट कैंप से लेकर निर्दलीय विधायक भी पहुंचे सीएमआर। ऑक्सीजन किल्लत से मौत पर केंद्र सरकार ने राज्यों से मांगा आंकड़ा, 13 अगस्त तक सभी राज्यों को देना होगा डाटा, पिछली रिपोर्ट में मौत का नहीं था कोई जिक्र। दिल्ली के गफार मार्केट की 75 दुकानें खाली कराने के निर्देश, बिल्डिंग पर आई दरार के चलते नगर निगम ने जारी किए निर्देश। दरार के चलते मार्केट की बिल्डिंग गिरने का खतरा बना हुआ है, ग्राहकों व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर 3 दिनों में परिसर खाली करने के नोटिस। गफार मार्केट की इमारत काफी खतरनाक और जर्जर हालत में है, आईआईटी रुड़की के एक स्ट्रक्चरल ऑडिट के आधार पर यह निर्णय किया गया था। परिवार के साथ बैतूल पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के बोरी अभ्यारण्य में बिताएंगे 2 दिन, बुधवार को कर सकते हैं जंगल की सैर।